और सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया, सज रही। तो वैसे चलते हैं श्री राम मंदिर की तरफ। मैं अंदर एंटर कर गया हूँ मैं, और ये अंदर जाने का रास्ता है। काम चल रहा है अभी। ये क्या लिखा है? दान काउंटर, डोनेशन काउंटर। चलते हैं भाई अंदर, देखो कितनी पब्लिक आ रही है अंदर से। ये पाउडर फ्री का पाउडर उड़ रहा है यहाँ पे। चारों तरफ रिपोर्टिंग चल रही है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे तुम उसे माफ कर दो, जो भूल हुई हमसे तुम उसे माफ कर दो। महलों के राजा राम तुम पावदा रख दो, महलों के अयोध्या के राजा भारत है आपका। घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पर भव से उतर जाएगा, राम कहने। तो गाइस देखो कितना प्यारा जो है प्रदर्शन किया है। और ये दोनों भाई जो है वो जुड़वा है, दोनों जुड़वा भाई हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ठीक, प्रभु श्री राम की नगरी अब दिव्य मंदिर जरूर बन रहा है, लेकिन इसके पीछे कोठारी बंधुओं की भी एक बड़ी संघर्ष यात्रा थी। इस कोठारी बंधु परिवार के कहें, समिति के कहें, तमाम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। राम शरद कोटवारी समिति के ये लोग हैं, गले में कार्ड डाल के आज इन लोगों को उनकी याद भी जरूर आ रही है। और बताया जाता है कि दो भाई होता है बड़ी भूमिका भी अयोध्या पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा, बहुत ज़्यादा उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज उनके बलिदान, उनके जैसे कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, उन्होंने आगे मंदिर का निर्माण हुआ और हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। उनके निमित्त, उनके माध्यम, उनके द्वारा मेरा सेवा का मौका मिला और सबको नहीं मिल सकता। हम 24 कार्यकर्ता आए 13 तारीख को, चलते 14 तारीख को, और कल कुछ कार्यकर्ता और आ रहे हैं। सेवाग्राम में मौका मिला, इसके लिए
बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद। श्री राम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, क्या नाम है आपका? जी हम दोनों काशी से आए हैं बाबा की में, और हम दोनों जुड़वा भाई अनुज आशी, जो कि आज जब से अयोध्या में आए तभी से राम मिलन की शुरुआत है। प्रभु श्री राम के भक्त तो कब से है ये बताइए? हम लोग जब से मतलब पांच पढ़ते थे तभी से हम लोग का मन भजनों में लग गया था, तो सेवक हम लोग कोई एक भजन की हाजिरी हो जाए सुनाओ में जब फेमस है। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कैसे 500 बरसों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। 500 बरसों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। और सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया, सज रही। तो गाइस देखा पब्लिक का क्रेज कैसा क्रेज है, बहुत जबरदस्त क्रेज है पब्लिक में। और अब जा रहा हूँ मैं और आगे देखते हैं क्या है। अभी तो हम लोग सिर्फ एंटर ही करे हैं, गेट पीछे दिख रहा होगा, तो अब आगे जा रहा हूँ मैं। और ये मंदिर बन जाएगा ना भाई, उसके बाद कुछ बोल नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, इतना खूबसूरत लगेगा। और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ पूरा सामने भव्य दिव्य मंदिर। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट जगह पे कंस्ट्रक्शन काम चालू है, और दो दिन में मुझे लगता नहीं कुछ पूरा हो गया, लेकिन फिर भी जो इनॉग्रेशन करना है उसके लायक तो पूरा हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। देखो हर तरफ भगवा ही रंग, भगवा रंग, भगवा रंग। मंदिर बना हुआ है, कई महात्मा साधुओं ने भोग दिया, जब बाबरी नष्ट हुई, जब मैं भी प्रवीण टोगड़िया जी के साथ था और मैं भी वहाँ था 30 दिसंबर को, और एक एक बाद में जब मुलायम कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, नरसिंह राव बड़ा प्रधान थे, जब बाबरी नष्ट हुई बाद में मुलायम का राज में कई गोलियां खानी पड़ी, लेकिन अपने माता बहनों साधु ये वही साइकिल है गाइस जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, और ये दादाजी वही है जो अहमदाबाद से साइकिल से आए हैं। राम जी का जिनको निमंत्रण गया वो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, क्यों? जो जो राम की लला को नहीं मानेंगे उनकी पतन होने वाली है। राम भगवान तो सबका एक है, चाहे अखिलेश जी, यादव जी होए, मोदी जी होए, कि अमित शाह होए, कि झाड़ू वाला होए, भगवान सबका है, ईश्वर सबका है, परमात्मा सबका है। उनको सोच समझ के आना चाहिए कि आवे तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। जो लोग कह रहे हैं राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, उन दरिद्रों को क्या कहेगा? भगवान नहीं होगा तो हॉस्पिटल कहाँ से होगी? अपने हिंदू में से भेजा भगवान कैसे सत्य आम कहाँ से आती है, दांत कहाँ से आते हैं, बाल कहाँ जाते, शरीर का शोषण कैसे होता है, भगवान कैसे बड़ा करता है? परम पिता परमात्मा तो है कि धरती पे तीन जगह पानी है, आकाश में पानी है, पृथ्वी पे पानी है, और पाताल में भी पानी है। क्या बात प्रभु है? की लीला अपरंपार है। ये बताइए राम जी 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या आए थे तो पूरा अयोध्या खुशी से झूम गए थे, आज कितने लोग झूम रहे हैं भाई? पहले राम जी अयोध्या आए थे जब लोगों ने दिवाली मनाई थी, रंगोली बनाई थी, मिठाइयां बनाई थी। अभी अपने भारत में 2 दिवाली होगी, एक दिन राम जी राम लला घर में बैठेंगे वो दिवाली, और वो राम जी वन में से आए थे वो दिवाली। ऐसे अपने भारत देश में 2 दिवाली मना दे, अपने देखो द्वारका मथुरा जैसे होली का पर्व मनाया जाता है, जैसे अपने भगवान एक अपना सनातन धर्म सब त्योहार आता है।